दफा हो जाओ। मुझे लगता है मैंने एड्स वेड्स बहुत कर लिए, अब मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए, समझे? अरे देखो जरा मुझे, हीरो लगता हो हीरो। हम उस देश के वासी है जी, जिस देश में गंगा बहती है। अरे मैं किसके लिए बनाऊ पता है? शेक्सपियर करने के लिए। नाम सुना है ना? अरे अपना शेक्सपियर रे बांगलो, क्या कर रहा है? विलियम शेक्सपियर। क्या जमाना आ गया है। अरे इसको डायरेक्टर कौन बनाया? डायलॉग बाजी बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं डायलॉग बाजी कर रहा हूँ? खुद को स्टीवन स्पीलबर्ग समझते हो? अरे तुम्हारी ये जो एड है ना, ये टाइटैनिक की तरह डूब जाएगी। तुम एक नंबर के फ्लॉप डायरेक्टर हो, अपना बीमा जल्दी करा लो, नहीं तो एंड में कोई बनाना भी खिलाने नहीं आएगा। हाँ, और तुम क्या हो, छोटू राम लंगूर की औलाद? तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? हाँ देखी है, और अब वापिस देखने जा रहा हूँ, पर तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। मोंटी मेरी बात सुनो। डोंट वरी सर, ये मान जाएगा। मोंटी हे हे मेरी बात सुनो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, हमें इसे गवाना नहीं चाहिए। तो क्या करूं, यहाँ खड़े रहकर अपनी बेइज्जती सहूं? ये ना हो पाई भैया। वैसे मेरा हेयर स्टाइल तो सही है ना? एकदम झकास है। देखो तुम इस एड फिल्म के हीरो हो, और तुम जानते हो बंदरों को ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। डरो मत, ये बंदर हर मौके पर चौका मारेगा। ये हुई ना हीरो वाली बात। मोंटी गला सूख रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो लगे जा प्यास, पियो मंकिया आओ झूम उठे। पियो मंकिया आओ झूम उठे। तैयार हो ना? पियो मंकिया आओ झूम उठे। आज शाम को बाहर जा रही हूँ, बहुत मजा आएगा। मॉम क्या हम मंकी रख सकते हैं? नहीं स्वीट हार्ट, ये जंगल नहीं है। हाँ मैं सुन रही हूँ। हाँ मैं बस अभी निकल रही हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। पर मॉम आपने कहा था आप मुझे स्कूल में ड्रॉप करेंगी। सॉरी बेबी, लेकिन मुझे बहुत सारे काम करने हैं, नया जॉब है, फिर क्रिसमस की शॉपिंग है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर के लिए भी शॉपिंग करनी है। ओह आई लव यू। स्क्रिप्ट रेडी है? हाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है। हाँ मैं जल्दी आ रही हूँ। हाय हनी। क्या हुआ हनी, तुम बहुत जल्दी में हो क्या? हाँ हूँ। तो ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है और इसमें एक दिलचस्प ये वाला नहीं है। ओप्स ये वाला। ओह ओके। ओह हमारी प्रिंसेस को स्कूल से पिकअप करना मत भूलना। चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, वरना तुम आज भी लेट हो जाओगी। मैं तो 3 हफ्तों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, इस बार कंपटीशन टफ होगा। तुम तो सिलेक्ट हो ही जाओगी क्योंकि तुम कैलिफोर्निया से हो। ऐसा कुछ नहीं है। हे तुम कैलिफोर्निया से आए हो है ना? हाँ मैं इथन। हम पड़ोसी हैं। मैं हूँ टेलर। हाय एशली। रेबेका हाय। तुम ऑडिशन दे रहे हो? हाँ नहीं हाँ। ऑल द बेस्ट। ओके बाय, फिर मिलेंगे। मतलब ये अफवाह सच है कि मोंटी द मंकी बोल सकता है? मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, और सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूँ। मोंटी तुम इस मंकी अब एड फिल्म में हीरो हो, पर हमारे ऑडियंस जानना चाहती है कि मोंटी असल जिंदगी में कैसा है। ऐसा कि मैं उन एक्टर्स जैसा नहीं हूँ जो कहते हैं कि मैं ऑफ स्क्रीन बिल्कुल अलग लगता हूँ, पर मैं तो कहूँगा कि मैं जैसा अपनी असली जिंदगी में हूँ वैसा ही स्क्रीन पर भी दिखाई देता हूँ। क्या सच में? हाँ मैं तो दिन रात पानी के बदले मंकी अभी पीता हूँ। पिछले हफ्ते टॉयलेट में पानी नहीं था, सोचा क्या करूँ, मंकी अब खोला और काम चला लिया। मैं तो मेरी लाइफ मजेदार किस्सों से भरी हुई है, मुझ पर एक फिल्म भी बन सकती है। यकीन नहीं होता तो मैं जैकी चैन की तरह फाइटिंग भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि मैंने अब तो कोई एक्शन फिल्म साइन नहीं की, क्योंकि जैकी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, बेचारे के पेट पे लात क्यों मारूं? मैं बहुत दयालु हूँ। अच्छा तो बात क्या हो रही थी? हाँ मैं रियल लाइफ में बिल्कुल वैसा हूँ जैसे स्क्रीन पर दिखाई देता हूँ। तो तुम अपने स्टंट्स खुद ही करते हो मोंटी? अरे इस जर्नलिस्ट को कौन पकड़ के लाया, ऑफकोर्स खुद ही करता हूँ। अच्छा तुम ये सवाल टॉम क्रूज से भी पूछोगी क्या? ओ, मैं समझ गई। तो तुम्हें एक टॉकिंग मंकी होना और मंकी अप का फेस होना कैसा लगता है?
अब मैं क्या बताऊं, मेरी परवरिश एक जू में हुई जहां मैं अपनी माँ, मेरे बड़े भाई और छोटी बहनों के साथ रहता था, पर मुझे हमेशा शक था कि मैं अडॉप्टेड हूँ। मैं हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहता था। तो एक दिन मेरी माँ मुझे पार्क में शेक्सपियर दिखाने ले गई। ऐसा लगा जैसे हर कोई सोचता है कि उसके अच्छे दिन आएंगे। आज मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक्टर बनने के लिए जन्म लिया है। जूलियट मेरी जान, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, जितनी किसी ने नहीं की होगी। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर जमीन पे ला सकता हूँ। मैं प्ले देखने हर रोज जाने लगा और मुझे प्ले का हर डायलॉग याद हो गया। तुम मेरी जान हो, तुमसे मेरी हो। मैं समझ गया मुझ में टैलेंट है। हम एक हो जाएं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। और तुमने इस तरह बोलना शुरू किया। अब मैं अपनी ही तारीफ में क्या कहूँ, पर तुमने तो सुना ही होगा कि नकलची बंदर बहुत अच्छी तरह नकल कर लेते हैं। पर फिर वो दिन आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। माँ ने इस कठोर दुनिया से मुक्ति पा ली। मेरी माँ बहुत सपोर्टिव थी। वो हमेशा कहती थी कि अपने सपनों को साकार करो, पर ये भी कहती थी कि एक बात याद रखो, ये पैसा शोहरत तो आते जाते रहेंगे, लेकिन फैमिली कभी नहीं बदलेगी। ओह मॉन्टी, मैं तो इमोशनल हूँ। अरे पर आज तक इसका मतलब ही नहीं समझ में आया। फेमस होने का है तो कोई बड़ा सा कांड करने का और मैडम टुसाड में मस्त एकदम स्टैचू बन जाएगा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ भैया, तो वक्त आ गया कि मैं उस दुनिया को छोड़कर आगे बढ़ूं। अगर मैं जू में रह जाता तो मेरा टैलेंट वेस्ट हो जाता। To be or not to be, that is the question. और मैं टेनिस से मिला, उसने मेरे टैलेंट को समझा और उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे फिल्म स्टार बनाएगा। हाँ एक आध एड फिल्म करा रहा है, पर मैंने ठान लिया है कि मैं बेहतर एक्टर बनकर दिखाऊंगा। आग लगा दूंगा, आग। माचिस जला के नहीं, एक्टिंग से। बस इंतजार है तो एक अच्छे से रोल की जो मुझे स्टार बनाए। ओह मोंटी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि कपेलो ने फिल्म के लिए एक नई मंकी को साइन किया है। कपेलो मतलब कपेलो फिल्म्स वाला कपेलो? हाँ, दी कपेलो फिल्म्स। बल्कि इस मैगजीन में उनका एक आर्टिकल भी आया है। क्या? तो मुझे बताओ मोंटी कि तुम क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? बहुत टाइम खोटे कर लिया, अब निकल। काम खत्म, पुराने 500,000 के नोट हजाम। चला मैं निकल रहा हूँ। जैसी जल्दी अंदर आओ। मोंटी मोंटी रुको, और तुम्हें तो मैं फेसबुक पे भी पहचानने से इनकार कर दूंगा, समझी? करो हाथ ऊपर, गुड। वाओ, ओके, क्लास ओवर। See you next week. तुम्हें ये खबर कैसे नहीं मिली कि कपेलो एक मंकी पर पिक्चर बना रहा है? वो पिक्चर मुझे चाहिए। जल्दी मेरे एजेंट को फोन लगाओ डेज़ी। तुम्हें एजेंट की क्या जरूरत, तुम्हारे पास मैं हूँ ना, तुम्हारा ट्रेनर। मुझे ट्रेनर की जरूरत नहीं है, मेरी जान बन चुकी है, ये देखो डोले छोले। डोले छोले से क्या होगा, हमें कुश्ती नहीं लड़नी है, इंसानों के एजेंट्स होते हैं, लेकिन तुम तो एक मंकी हो। अरे कितने फेमस एनिमल्स के एजेंट्स होते हैं, जैसे स्टीवन सीगल। बिल्कुल सही कहा। और वो हाइडी ग्लूम का पति क्या नाम है उसका, सील। वो सब इंसान है मोंटी। अच्छा तो स्नूप डॉग, वो बाव आओ, शोक्रो, बियॉन्से, माइकल जे फॉक्स, और कितने नाम गिनाऊं? वो सब इंसान है। और टाइगर वुड्स, वो कोई एनिमल नहीं है, वो भी इंसान है। क्या पका रहे हो यार, तुम कपिलो के ऑफिस में फोन करने वाले हो या नहीं? मोंटी मैंने ऑलरेडी उनके कास्टिंग डायरेक्टर से बात की है, उन्होंने मुझे साफ इनकार किया है कि वो मंकी अप के एम्बेसडर के लिए तुम्हें कास्ट नहीं कर सकते। तुम प्लीज इसे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कार्टून वाला बंदर एक्टिंग कहाँ से करेगा, तुम उन्हें समझाओ उन्हें मेरी जरूरत है। अरे मुझ जैसा एक्टर उसे पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, मैं स्टेज पर शेक्सपियर के प्लेस कर चुका हूँ। यही तो, तुमने उनके सिर्फ प्लेस देखे हैं, एक्टिंग नहीं की। पटर पटर बहस मत करो, मेरे गुड लुक्स, मेरी एक्टिंग के टैलेंट और चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ सुपरस्टार मेरे को ही बनना है रे। देखो मोंटी, तुम फिलहाल जेली बीन्स खाओ, हो सकता है तुम्हें एनिमल प्लैनेट में होस्ट करने को मिल जाए। चपर 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 चल बनकर, इतनी तनख्वाह ले तो कुछ काम तो करो। हे